भाव गिरने से क्या शुरू होगा सोयाबीन वायदा, आइए नजर डालते हैं। दरअसल वैश्विक बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और ऐसे में जानकारों का कहना है कि सरकार को खाद्य तेल तिलहन के खुदरा मूल्य पर भी ध्यान देने की जरूरत है। पंजाब और हरियाणा की मंडियों में बिनौला फसल आनी शुरू हो चुकी है और उसकी कीमतें फिलहाल स्थिर कारोबार कर रही है। अब जल्द ही मंडियों में मूंगफली और सोयाबीन की फसलें भी आ जाएंगी। मेरी जानकारी के मुताबिक इस बार राजस्थान और गुजरात में मूंगफली की फसल अच्छी है और नई फसल आने के बाद 20 से 30 दिन में मूंगफली के भाव भी टूटने के आसार हैं। तेल तिलहन बाजार टूटने से तेल उद्योग, तेल आयातक और सोयाबीन के कारोबारियों की हालत पस्त है और उपभोक्ताओं को भी फिलहाल कोई लाभ नहीं मिल रहा। पिछले साल के मुकाबले सोयाबीन दाने के भाव लगभग आधे रह गए हैं। वहीं सरसों तेल तिलहन कीमतों में भी भारी गिरावट के बावजूद तेल कंपनियों के MRP ऊंचे ही बने हुए हैं। अगर हालात यही रहे तो आगे चलकर खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर होने के बजाय देश की आयात पर निर्भरता बढ़ती जाएगी। बाजार जानकारों का कहना है कि वैश्विक बाजारों में खाद्य तेलों के दाम लगातार नीचे आने के बाद सरकार को तेल उद्योग और संबंधित अंशधारकों की बैठक बुलाकर उन्हें कीमतों को नीचे लाने की हिदायत देनी चाहिए। उनका कहना है कि कच्चा पाम तेल, सोयाबीन और सरसों दाने का वायदा कारोबार फिलहाल चालू नहीं करना चाहिए, इसका बंद रहना ही किसानों के हित में है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।